BTS अपने फैंस और आर्मीज के लिए कितना भी कुछ कर लें, उनको हर बात के लिए हेट देना या फिर उनको ट्रोल करना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। BTS का कोई भी कंटेंट रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी का हिस्सा जरूर बन जाता है और इसी तरीके की कंट्रोवर्सीज BTS के हाईली एंटिसिपेटेड कोरियन ड्रामा यूथ बिगिंस में भी होने लगी है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम से BTS का के ड्रामा बिगिंस यूथ स्टार्ट हो गया है। आर्मीज इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि ये BTS की इमेजिनरी लाइफ पर बेस्ड होने वाला था, लेकिन सैडली हुआ ये कि कई सारी आर्मीज को पहले तो इसे देखने का मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि BTS के कंटेंट को पेड कर दिया गया, जिसकी वजह से उस समय भी इस ड्रामा को काफी ट्रोलिंग मिली थी और बिग हिट को लेकर आर्मीज काफी नाराज थी कि इस तरीके से वो ऐसा कंटेंट पेड कैसे रख सकते हैं और आर्मीज इसे देख नहीं पाएंगी तो इसका फायदा ही क्या होगा। हालांकि जिस तरीके से उस कंट्रोवर्सी से ये ड्रामा बाहर आया था, उतनी ही जल्दी ये एक और कंट्रोवर्सी में फंस गया है और वो है होमोफोबिक फ्रेजेस को यूज करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, BTS की लाइफ में बहुत ही सारी शिपिंग तो आर्मीज और टॉक्सिक फैंस करते ही रहते हैं, लेकिन अब इस के ड्रामा में भी कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जा रहे हैं जहां पर BTS के कैरेक्टर और उनके होमोफोबिक होने को और ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्मीज को ऐसे सीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसे कि एक सीन था जहां पर सुगा खड़े हुए थे और उनके साथ वहां पर जिन भी थे और दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो सुगा ने जिन को बोला कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, आखिर तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो। यानी इस तरीके के कोई ऐसे वहां पर डायलॉग्स थे जो कि दोनों के कैरेक्टर को स्ट्रेट ना होने के बारे में बात करते हुए दिखाए जा रहे थे, जिसके बाद आर्मीज को ये सीन काफी बुरा लगा। कई सारे आर्मीज का कहना था कि उनका मानना है कि BTS की इमेजिनरी लाइफ में भी ऐसे डायलॉग्स का कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि BTS के मेंबर्स कभी भी अपने कैरेक्टर अपनी लाइकिंग को एक दूसरे से रिलेट नहीं करते और BTS के बीच में ऐसी बातें कभी भी नहीं होती हैं। इसीलिए अगर आप के ड्रामा में ऐसे कंटेंट को प्रमोट करोगे तो फिर से जो लोग BTS को होमोफोबिक बोलते हैं या फिर गे बोलते हैं, उन लोगों को कोई टॉपिक मिल जाएगा डिस्कस करने का और अपनी थिंकिंग को वैलिडेट करने का। हालांकि दोस्तों, कई सारे आर्मीज का मानना है कि इस सीन को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीन सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के लिए ही ऐड किया गया था, लेकिन वहीं पर कई सारे आर्मीज का मानना है कि ह्यूमर और डार्क ह्यूमर में बहुत फर्क होता है, इसीलिए कॉमेडी भी ऐसी ही दिखानी चाहिए जिसका लोगों पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े। और उनका मानना है कि अगर BTS से पूछकर इन लाइंस को लिखा गया होता तो BTS इसके लिए शायद कभी भी अप्रूव नहीं करते। और दोस्तों, ऐसी ही काफी सारी रीजंस की वजह से एक के बाद एक जब नए एपिसोड आ रहे हैं तो BTS के इस के ड्रामा को हेट और ट्रोलिंग मिलती ही जा रही है, लेकिन कई सारे आर्मीज अभी भी कंसिस्टेंट हैं और वो पूरे मन से इस के ड्रामा को देख रही हैं। तो आप सभी मुझे बताओ कि आपको ये के ड्रामा कैसा लगा, क्या आप भी इसे देख रहे हो? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।